मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनावी माहौल गर्म है। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी अर्चना जेटली ने एक योजना शुरू की है ताकि मतदान का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। वो योजना क्या है और कैसे उस पर युवा काम करेंगे, हम सीधे दीदी से बात करेंगे। दीदी, क्या प्लानिंग है मतदान बढ़ाने के लिए? आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का उत्साह है, उमंग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और जनजन में भी। तो इस उत्साह और उमंग को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक निर्णय किया है, विचार किया है कि जिस बूथ पर जितने टोटल वोट पड़े, टोटल कास्टेड वोट्स का 80% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, उस बूथ के 11 कार्यकर्ताओं को जिन्हें राम मंदिर के लिए अयोध्या जाना होगा उन्हें अयोध्या ले जाएंगे, और जो देश की स्वतंत्रता के मंदिर अंडमान निकोबार की सोलर जेल देखने जाना चाहते हैं उन्हें वहां लेके जाऊंगी, उस बूथ के 10 कार्यकर्ताओं। ये भाजपा और आपकी खुद की प्लानिंग है, क्योंकि ये जिला प्रशासन तो अपने स्तर पे प्रयास कर ही रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रतिशत बढ़ाएगा। पिछले बार का जो प्रतिशत था पूरे ऑल ओवर वो था 77%, उसको हम कहां तक मान के चले कि बढ़ेगा? जैसे हमारे बहुत से बूथ ऐसे हैं जो परंपरागत स्तर पर 85-87-90% वोट करते हैं, और अब जो टोटल वोट पड़ा है 100% का, अगर 80% पड़ा है, उस 80% का 80% भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो अंडमान निकोबार सेलुलर जेल देखने जाएंगे कार्यकर्ता या अयोध्या जाएंगे, जहां उनकी इच्छा होगी मैं लेके जाऊंगा। हम जीत रहे हैं, हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए, तो ये थे भाजपा प्रत्याशी अर्चना जेटलीस, जीत का दावा है और ये दावा कितना साबित होगा ये आपको आने वाला समय बताएगा। हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक देखो, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। अठराशे रुपये सांगायचे ना, मी त्याला